हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ एलसीएम फाइंड आउट करना बाय डिवीजन मेथड 10, 20 और 30 का। ठीक है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, 10, 20, 30। ठीक है, ये एलसीएम बाय डिवीजन मेथड है, इसलिए हमने इसको इकट्ठे इस तरह प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करते हैं। जब एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, जैसे 10 के अलग, 20 के अलग, 30 के अलग। हमने क्या करना है, जब भी हम प्राइम फैक्टर स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना, हम लोग लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं 2 से अगर एक नंबर भी डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पर 2 ही लेंगे, तो ये तो सारे नंबर ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर 2 ही लेंगे। 2 के टेबल में 10 आता है 5000, 2 के टेबल में 2 आता है 1000 और 0 का 0, ये डायरेक्ट लर्न है। 2 के टेबल में 20 आता है 10 times, 2 के टेबल में 30 आता है 15 times, और अगर आपको वैसे नहीं पता तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 से छोटा 2 आता है, आप इसे कट करके 2 बना लें। 2 के टेबल में 2 आता है 1000, ये 3 था, जब कट होकर 2 बना, इसका 1 इधर चला गया, बन गया 10, 2 के टेबल में 10 आ गया 5000। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली लिख दें, इस तरह फिर कटिंग ना करें। मैंने तो इसलिए बताया कि अगर कोई बड़ा नंबर भी हो, 30 तो छोटा है, बड़ा नंबर भी हो तो आपको पता चल जाए कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये नंबर्स आए हैं, अगर इनमें से एक भी नंबर 2 से डिवाइड होता है तो हम यहाँ पे 2 ही लेंगे। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में 15 भी नहीं आता, हम यहाँ पे फिर भी 2 ही लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 10 तो आ रहा है, बाकी ये दोनों नहीं भी आ रहे, तो हम ये नहीं आ रहे तो उसका क्या करेंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे, 5 को भी और 15 को भी वैसे लिख दिया, 2 के टेबल में 10 आ गया 5000। अब देखें हमारे पास 5 और 15 तो पहले ही 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, 2 के टेबल में नहीं आता, अब एक और 5 आ गया, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे 2 नहीं लेंगे, क्योंकि तीनों नंबर्स ही 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। ठीक है, या एक भी नंबर इनमें से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, हम यहाँ पे 2 नहीं लेंगे। 3 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, 3 के टेबल में 5 नहीं आता लेकिन 15 आता, तो हम यहाँ पे पहले 3 ही लेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते पहले 5 ले लें। ठीक है, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 का 5 लिख लें वैसे ही दोनों। अच्छा, अब देखें 3 के टेबल में 15 आता है 5000, अब हमारे पास 5 आ गया तो हम 5 ही लेंगे, 5 के टेबल में 5 आ गया 1000 और 1000, तो आपके पास लास्ट पे इस तरह आना चाहिए 1, 1, 1, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पे एलसीएम ऑफ 10, 20 एंड 30 मैंने पहले से लिखा हुआ है, आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आप यहाँ पे लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और हम क्या कहेंगे इसका एलसीएम क्या आया 10, 20 और 30 का, इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर होगा, 2, 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60, तो सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 60 आ गया और इसका आंसर 60 आ गया। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और आपने अब मिक्स नहीं करना है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं और एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, तो ये एलसीएम बाय डिवीजन मेथड है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है कि हमने अलग अलग इनको करना होता है, बाद में फैक्टर्स लिखने होते हैं, जो कॉमन है वो लिखना है, अनकॉमन लिखना, उनको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो मैंने इस पर भी वीडियोस बनाई हुई है कि एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास अब एलसीएम बाय डिवीजन मेथड जो हमने अभी सॉल्व किया। ठीक है, होप्स आपको इनमें डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंच सके, और अगर आपने इसे रेलिवेंट वीडियोस देखनी है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एसीएफ पे देखनी है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब पे वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।